हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, कैसे करना है, वो चीज मैं आपको बताता हूं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज अ फैक्टर ऑफ एक्स प्लस 1। अभी हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो थ्योरम नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बोलूंगा कि उस वीडियो पहले देख कर आओ, फिर आप ये फैक्टर थ्योरम देखना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब चलो हम लोग ये जो फैक्टर है वो समझते हैं। हमको चेक करना है कि जो पर्टिकुलर x प्लस 1 है वो ये इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि फैक्टर किसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक सम लिया 4 और डिवाइडेड बाय 2 किया, तो 2 2 4 होता है और उसका आंसर 0 आता है। मींस अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर कि इसका आंसर 0 आता है, इसका आंसर 0 आता है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको इसका फैक्टर बोल सकते हो। मींस 4 का फैक्टर 2 है। तो वैसे ही हम लोग को x प्लस 1 का करना है, मतलब इसका करना है और इसका भी करना है। ठीक है, ऐसे 4 सम्स हैं, हम लोग पूरे ये वीडियो के अंदर देखेंगे 4 सम्स सारे के सारे कि वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला सम शुरू करते हैं। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके ही हम लोग क्या बताएंगे, इसको फैक्टर बताएंगे। जैसे कि मैं लेता हूं x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 था, साइड चेंज हुई, माइनस 1 हो गया। सो सबसे पहले तो हमारे पास जो p ऑफ x है वो ले लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 एक्स की जगह पर और प्लस 1। मीन्स जहां पर भी x था वहां पर मैंने माइनस 1 रख दिया, समझ में आ रहा है। वी हैव सब्स्टिट्यूटेड माइनस 1 वेर एवर देर वर x इन द इक्वेशन, जहां पर भी x था। ओके, अब देखो माइनस 1 का क्यूब, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, 3 बार माइनस 1 है। माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, अगेन दैट इज माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1। बिकॉज अगर 3 बार है तो वो माइनस में आता है, तो माइनस 1। अब अगर वो 2 बार है तो माइनस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा। देखो माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1, बिकॉज 1 इंटू 1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, 1। सिमिलरली ये प्लस का माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1। माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, तो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अगर सब कैंसल हो गया है तो उसका आंसर क्या आया है, 0 आया है। और अगर उस इक्वेशन का आंसर 0 आता है तो वो उसका क्या है, फैक्टर है। इट मींस देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर है, फर्स्ट सम आपको समझ में आया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकेंड सम पर। ठीक है, सेकेंड सम में क्या दिया हुआ है, सेम एक टाइप ऑफ इक्वेशन दी हुई है, उसी को हम लोग को चेक करना है। तो अगेन दैट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। अगेन वी विल सब्स्टिट्यूट दिस, x प्लस 1 मैं यहां से लेकर आया हूं, सो p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1। First, I'll write the equation, so we'll not get confused. X is to 4, x cube plus x square plus x plus 1. Okay? Now, I'll write
पी ऑफ माइनस वन रेज टू फोर प्लस माइनस वन क्यू प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस वन एंड अगेन सॉरी दैट इज माइनस वन एंड अगेन दिस इज प्लस वन. सो इफ वी आर मल्टीप्लाइंग वन फोर टाइम्स माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, आप अगर चार बार उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या होगा चार बार अगर कर रहे हो तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस बीच में और एक मल्टीप्लाई है तो वन. मीन्स अगर कोई भी चीज को अगर आप चार बार करते हो जैसे कि इवन नंबर टाइम्स करते हो तो पॉजिटिव आता है और ऑड नंबर टाइम्स करते हो तो नेगेटिव आता है. सो यहां पर ये क्या हो गया ये पॉजिटिव हो गया. यहां पर इवन टाइम्स ऑड टाइम्स करना है हम लोग ने यहां पर करके चेक किया था माइनस वन आया था. यहां पर ऑड इवन टाइम्स करना है प्लस वन आएगा यहां पर माइनस वन आएगा और यहां पर प्लस वन आएगा. सो अगर आप देखते हो तो देखो माइनस वन प्लस वन कैंसल माइनस वन प्लस वन कैंसल तो ये हो क्या गया ये क्या बचा वन बच गया. तो ये फैक्टर होगा नहीं होगा बच्चों. अगर आंसर जीरो आता है तो ये फैक्टर नहीं होगा. क्यों? बिकॉज हमारा रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि अगर उसका रिमाइंडर जीरो आता है तो ही वो उसका फैक्टर है. इसका मतलब एक्स प्लस वन ठीक है एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स रेज टू फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. ओके सो आई होप आप लोग को ये दोनों सम क्लियर है. कॉपी डाउन दिस सम आई इरेज दिस एंड आई राइट नेक्स्ट सम्स. सो लेट अस स्टार्ट अवर थर्ड एंड फोर्थ सम. सो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड फर्स्ट. अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम वी हैव टू चेक वेदर इट इज अ फैक्टर और नॉट. सो अगेन आई राइट एक्स प्लस वन वापस लिखूंगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस वन. अभी जो माइनस वन है आप उसको वापस ये इक्वेशन के अंदर रखोगे. सो अगेन दैट इज पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू फोर प्लस थ्री माइनस वन क्यूब प्लस थ्री माइनस वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन ठीक है. अब जहां पर भी x था वहां पर मैंने माइनस वन लगा दिया है. आपको ये चीजें समझनी होगी ठीक है कि यहां पर भी x है हमारे पास मैं माइनस वन रख चुका हूं. सब आगे क्या करेंगे आगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके चार बार किया लास्ट सम में देखा वन ही आने वाला है. तीन बार है मतलब थ्री तो एज इट इज रहेगा लेकिन अगर ऑड टाइम्स है तो माइनस में आने वाला है. इवन टाइम्स है मीन्स प्लस में आने वाला है और ये माइनस वन और ये प्लस वन है. सो यहां पर अगर आप देखते हो तो माइनस वन है. सो यहां पर आप प्लस प्लस माइनस माइनस थ्री और ये प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन. आपको समझ में आया होगा इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री वन था थ्री वन जा थ्री माइनस वन प्लस वन प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसल है ना माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस वन माइनस वन कैंसल हो जाएगा राइट. तो अब बचेगा क्या अब बचेगा आप लोग का सिर्फ वन. क्या बच जाएगा अब सिर्फ आप लोग का क्या बच जाएगा वन बच जाएगा. तो अगर ये वन बच जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे ये फैक्टर नहीं है. बिकॉज अगर हमारा आंसर जीरो आता है तभी वो फैक्टर होता है. मीन्स एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स रेज टू फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ठीक है. सो यहां पर ये भी कंप्लीट होता है हमारा थर्ड सम.
अब हम लोग हमारे आखिरी सम पर आते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर वन के फोर्थ सम पर। सर ये तो रूट के फॉर्म में दिया है, क्या करेंगे? अरे यार रूट के फॉर्म में दिया तो काय को टेंशन लेने का। देखो आप टेंशन पहले लेते हो, मैं एक चीज बताता हूं, जो भी दिया हो ना, जो मेथड है उसको सॉल्व करो ना, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। पहले आप उस चीज का मेथड तो सॉल्व करो, बाद में देखेंगे। तो देखो x p of x, पहले हम लोग तो क्या करेंगे, ये x plus 1 is equal to 0, तो x is equal to कितना हो जाएगा, माइनस 1। अब हम माइनस 1 को यहां पर रखते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास p of x क्या है, हमारे पास है x cube minus x square 2 plus root 2 x plus root 2, ठीक है। अब p of x, x cube क्या है, minus 1 cube minus minus 1 square minus 2 plus root 2 minus 1 plus root 2, ठीक है। सो यहां पर अगर आप देख सकते हो, आप लोग x की जगह पर क्या रखोगे, minus 1 रख दिया है। काफी कंफ्यूजन रहेगा, आराम आराम से आपको करवाता हूं। पहले मैं देखो minus 1 का क्यूब आप तीन बार उसको मल्टीप्लाई करोगे, सो 1 आएगा। तीन बार अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। दो बार मल्टीप्लाई करो, अगर आप उसको दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा या माइनस 1 आएगा, सॉरी तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 आएगा, हमने देखा है ना। दो बार करोगे तो प्लस 1 आएगा, लेकिन ये वाला माइनस। अब हम लोग इस माइनस को इसके साथ पहले कर देते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 प्लस रूट 2। अब मैं ब्रैकेट भी ओपन कर देता हूं, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, जब 1 ब्रैकेट में जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 2 प्लस रूट 2, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 2 रूट 2। ओके आगे करते हैं, आगे ये होगा p ऑफ x माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की, माइनस 2 प्लस 2, यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 तो है, यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 तो है, तो ये दोनों का प्लस करो, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 रूट 2। याद रखना बच्चों, रूट वाला नंबर प्लस नहीं होता, रूट वाला नंबर सिर्फ ऐसा रहता है। देखो जैसे रूट 2 प्लस रूट 2 कर रहे हो, ठीक है, तो ये रूट 2 रूट 2 कॉमन गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। सो हम लोग लिखेंगे क्या, 2 रूट 2, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको साइड पर करके दिखाया, ये 2 रूट 2 कैसे आया, ऐसे आया है। ओके अब देखो प्लस 2 सॉरी माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, सो यहां पर आप माइनस 1 लिख देना, जहां पर आपने रखा है, मैंने x लिखा हुआ है, यहां पर माइनस 1 रख देना। सो p ऑफ माइनस 1 कितना आ गया, p ऑफ माइनस 1 आ गया 2 रूट 2, p ऑफ माइनस 1 कितना आ गया आप लोग का, 2 रूट 2, वो भी आपका 0 नहीं है, That is also not your zero. तो अब क्या होगा, अगर वो जीरो नहीं है तो फैक्टर भी नहीं है, जो हम लोग कब से करते आ रहे हैं, मतलब x plus 1 is not a factor, is not a factor of x cube minus x square minus 2 plus root 2 x plus root 2। So यहां से हम लोग एक चीज क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई यहां पर हम लोग ने ये जो फैक्टर्स चेक करना था वो कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये पूरा सम क्लियर है। अगर आपको सम में कोई भी डाउट रह जाता है तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है मेरा कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट वहां पर डेफिनेटली सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, टीचिंग अच्छा लगता है, तो एक लाइक जरूर करना, लाइक आपको अपने जेब में से नहीं देना है, कंजूसी मत करना, लाइक करते रहना तो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और मेरा वीडियो अच्छा मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको मेरे जो नए वीडियोस आते हैं वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। अगर आप चैनल के लिए नए हो तो बार बार वो बटन मत दबाते रहना, ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन कर देना, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन करोगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी पढ़ सके। थैंक यू सो मच।